तो आज के इस वीडियो में हम कमोडिटी में आपको गोल्ड के बारे में बताएंगे कि गोल्ड के आने वाले समय में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं और हमें गोल्ड में कौन से सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखना चाहिए जहां से गोल्ड में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हम आ चुके हैं एंजल वन के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और यहां पे आने के बाद आपको इंस्टा ट्रेड के एफ विंडो पर क्लिक करना होता है। हम यहां पे क्लिक कर देते हैं और हमारे सामने यहां पे ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है। यहां हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का, तो हम यहां पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहां गोल्ड को ऐड कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास गोल्ड लगा नहीं है तो आप प्लस आइकन का यूज़ करके आप यहां से गोल्ड को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गोल्ड लग जाएगा। हम जैसे गोल्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर 5 अप्रैल की एक्सपायरी का गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल को हमने आइडेंटिफाई किया था और जिन लोगों ने भी हमारा पिछला वीडियो देखा होगा उन्होंने शानदार यहाँ से बेनिफिट उठाया होगा। जैसे कि अगर गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल अगर आज हम देखें तो गोल्ड ने आज 60,000 का एक रिकॉर्ड स्तर को छुआ है, जो कि 60,450 प्लस का लेवल गोल्ड ने दिखाया है और हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था और कल के एनालिसिस में गोल्ड के इस इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में भी जानकारी दी थी। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब बात आती है गोल्ड ने जो अपनी जो इंपॉर्टेंट लेवल था जो था 60,500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इसको गोल्ड होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ से गोल्ड में हमें वापस करेक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ से गोल्ड जो है ये बोलिंजर बैंड का एक लोअर बैंड है, इसको एज आ सपोर्ट यहाँ पे यूज़ करने वाला है। अगर गोल्ड इस बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड जो कि इस समय बना हुआ है ये 59,250 के आसपास बना हुआ है, अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो गोल्ड में हमें यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकता है और गोल्ड यहाँ से वापस से 58,500 के लेवल तक के स्लिप हो सकता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से गोल्ड में मूवमेंट बना हुआ है साथ ही MACD इंडिकेटर में भी एक पॉजिटिव वे बना हुआ है तो इस साइड में हमें गोल्ड में अपसाइड का मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर गोल्ड ये लेवल को होल्ड कर लेता है तो गोल्ड में वापस से हमें जो जहाँ से गोल्ड अभी स्लिप हुआ है 60,500 के लेवल के आसपास थे वहाँ पे दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है गोल्ड में हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर हम गोल्ड के इंट्राडे के चार्ट को हम एनालाइज करते हैं और यहाँ से हम 15 मिनट के चार्ट को लगा के देखते हैं तो गोल्ड में किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गोल्ड ने जो लेवल को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था तो इसके साथ ही अब यहाँ पे बोलिंजर बैंड का ये जो लोअर बैंड है इसको एज अ सपोर्ट गोल्ड यूज़ कर रहा है जो बना हुआ है 59,455 के आसपास का, इस बैंड को ये एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है। अगर इसको ये सपोर्ट यूज़ कर लेता है तो गोल्ड में हमें वापस से 60,000 तक के लेवल हमें दोबारा से रिटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं और अगर 60,000 का लेवल को गोल्ड होल्ड कर लेता है तो गोल्ड में हमें वापस से 60,500 तक के हमें गोल्ड जाते हुए नजर आ सकता है या 60,400 के भाव जहाँ से गोल्ड ने एक रेजिस्टेंस लिया है उस रेजिस्टेंस को दोबारा से टेस्ट करने जा सकता है। लेकिन अगर बात करें MACD की तो MACD में अभी एक नेगेटिव साइन बना हुआ है। MACD में जैसे ही कोई सिग्नल बनता है हमें बाइंग का तब हम इस कंडीशन में यहाँ गोल्ड के साथ हम इसका एक फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गोल्ड में रिकवरी आ सकती है जहाँ से गोल्ड जो एक वन शॉट नीचे आया है यहाँ से गोल्ड में वापस एक अपसाइड का ट्रेंड बन सकता है तो हम गोल्ड का फ्यूचर को बाय करेंगे। अगर हमें लगता है कि गोल्ड लोअर बैंड को तोड़ के और नीचे जा सकता है और इस कंडीशन में हम सेल ऑप्शन का यूज़ करके हम इसके एक फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे गोल्ड ने जो इम्पोर्टेंट लेवल को दिखाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गोल्ड में अगर गिरावट आती है तो गिरावट कितनी आ सकती है उसको भी हम एनालाइज कर लेते हैं। तो गिरावट का जो माहौल हमें गोल्ड में देखने को मिलता है सबसे पहले तो यहाँ गोल्ड जो है ये आपको तकरीबन 100 से लेकर 150 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट गोल्ड में देखने को मिल सकती है अगर नीचे आता है तो। लेकिन अगर ऊपर आता है तो गोल्ड के जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने आइडेंटिफाई किए यहाँ तक के गोल्ड हमें जाता है वह नजर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि गोल्ड में करेक्शन जो कंटिन्यू यहाँ पे एक सपोर्ट बन के अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि गोल्ड ने जो इम्पोर्टेंट लेवल पे एक रेजिस्टेंस लिया है, इस रेजिस्टेंस जो 60,470 के आसपास का था यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद जो स्लिप हुआ है तो यहाँ से नीचे आने के बाद अगर जो रेंज है 59,400 की इसको सपोर्ट को लेता है तो हम यहाँ से सेल की पोजीशन के साथ जाना चाहेंगे और यहाँ पे वन लॉट को सेल करेंगे। वन लॉट सेल करने के लिए हमारे पास गोल्ड का वन लॉट में आती है 1 किलोग्राम
गोल्ड हम यहाँ से सेल करेंगे। करंट प्राइस 59,585 है और करंट मार्जिन हमें जो लगने वाला है ये 5,49,951.25 लगेगा। चार्जेस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको कितना चार्जेस लगने वाला है एक लॉट बेचने के लिए, तो 303.41 रुपये यानी कि 303.41 रुपीज़ हमें लगेगा। हम यहाँ पे सेल ऑप्शन का यूज़ करेंगे और गोल्ड जो अभी वैल्यू चल रही है इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। हमारा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो जाता है। जैसे हमारा ऑर्डर सबमिट हो जाता है तो हमारी जो पोजीशन का जो P&L है हमें 7 रुपये देखने को मिलता है। और अगर हम चार्ट का एनालाइज करना चाहते हैं, अलग अलग टूल्स लगाना चाहते हैं, तो टूल ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग टूल्स लगा के आप अपने चार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही आप FX ऑप्शन का यूज़ करके आप अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करके आप यहाँ से जैसे कि बोलिंजर बैंड, MACD इंडिकेटर, LMA इंडिकेटर लगा के आप अलग अलग इंडिकेटर लगा के आप अपने गोल्ड को के प्राइस का एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल रिटर्न आ चुका है, बुक करना चाहते हैं और आपने गोल्ड को सेल करके रखा है, तो इस कंडीशन में आप बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और गोल्ड की पोजीशन को यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गोल्ड की पोजीशन को बाय करके रखा है और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पोटेंशियल रिटर्न आप बुक करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में सेल ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लेके आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। एनी टाइम अगर आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं या करंट मार्केट पे आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो इतना इजी, इतना आसान हो जाता है एंजल वन एप्लीकेशन का यूज़ करना। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट, एमसीएक्स मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। दोस्तों अगर आपने एंजल वन का 3-in-1 अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ के शानदार टूल ट्रेड का यूज करें, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग करना काफी इजी, काफी आसान हो जाता है। और आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 1 ईयर का AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।